नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और शेयर कर देना अगर थोड़ा सा यूजफुल लगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये प्रोडक्ट मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है और अभी मैंने इसकी अनबॉक्सिंग नहीं की है, मैंने सिर्फ ये खोल के देखा था, ये वाला बॉक्स खोल के देखा था कि इसके अंदर वही प्रोडक्ट है जो मैंने मंगाया है या कुछ और। ये गुड वाइब्स का रोज हिप फेस सीरम इंस्टेंट ग्लो के लिए है, विटामिन सी के साथ है, विटामिन सी सीरम है और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है जैसे कि हाउ टू यूज, इसे यूज कैसे करना है। तो 2 से 3 ड्रॉप्स लेनी है अपने फेस पर और इसे अच्छे से मसाज करनी है फिंगर की हेल्प से जब तक कि स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व ना हो जाए। इचिंग इरिटेशन वगैरह भी हो सकती है स्किन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले इसे यूज करने से पहले पैच टेस्ट जरूर ले, पैच और इसमें प्राइस भी लिखा हुआ है 225 रुपीज लिखा हुआ है बट मुझे मिला था 190 का और बाकी सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। लिए है स्किन लाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग के लिए है और हाइड्रेट रहती है स्किन, मॉइस्चराइज रहती है एंड इंस्टेंट ग्लो और इसे हम अभी यूज करके देखने वाले हैं। इसे हम अभी अप्लाई करके देखेंगे अपने फेस पर और लेकिन इसे अप्लाई करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्म कर दूं, मैंने अपने फेस पर कुछ भी यूज नहीं किया है। ये जो प्रोडक्ट आज मैं यूज करने जा रही हूँ इसे मैं फर्स्ट टाइम यूज करने जा रही हूँ और इसे क्या मैं जितने भी प्रोडक्ट यूज करूंगी मेरे फर्स्ट टाइम ही होंगे क्योंकि मैंने अभी तक अपने फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, कुछ भी ट्राई नहीं किया है। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट के जितने भी प्रोडक्ट हैं मैंने कुछ भी अपने फेस पर कभी भी यूज नहीं किया है। मैं इसे अपने फेस पर डायरेक्ट अप्लाई नहीं करूंगी, सबसे पहले मैं इसका पैच टेस्ट लूंगी उसके बाद ही मैं अपने स्किन पर कोई प्रोडक्ट यूज करूंगी क्योंकि वैसे भी ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है जो मैं अपने फेस पर यूज करने वाली हूँ। मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इसका रिजल्ट बताऊंगी कैसा रहा। अभी मैं पैच टेस्ट लूंगी अपने नेक पर लूंगी क्योंकि हाथ पर हाथ की स्किन और हमारे फेस की स्किन अलग होती है तो इसलिए मैंने नेक पर लेने की सोचा कि मैं नेक पर अपने पैच टेस्ट लूंगी और अगर मुझे कल मतलब आज या फिर कल तक अगर मुझे ईचिंग इरिटेशन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ तो फिर मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई करूंगी और जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो में मैं आपके साथ इसका रिजल्ट शेयर करूंगी कि इसका रिजल्ट कैसा रहा। इसे यूज करने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है, मतलब क्लीन करना है, उसके बाद ही इसे यूज करना है। जब तक कि सीरम स्किन में ऑब्जर्व ना हो जाए तब तक हमें धीरे धीरे मसाज करना है। मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इसका रिजल्ट शेयर करूंगी कैसा रहा है रिजल्ट। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।